मलिया फूडी में आज हम बनाएंगे ग्रिल गार्लिक बटर पराठा। बटर पराठा बनाने के लिए हमें पहले डो तैयार करना होगा। डो तैयार करने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम ऑल पर्पस फ्लार, थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स को हमने चॉप कर लिया है और थोड़े से गार्लिक को हमने क्रश किया है। एक कप हमने दही ली है, 2 टीस्पून हमने नमक लिया है और 1 ग्लास पानी। पानी हम आटे के साथ गूंथते हुए पानी को यूज़ करेंगे अपने हिसाब से। ये हम इसमें डालेंगे भी गार्लिक, क्रश गार्लिक। अभी हम डालेंगे इसमें चॉप कोरिएंडर लीव्स। इसके बाद हम डालेंगे नमक। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कप दही डाल देंगे। दही डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल डालकर हमें डो तैयार करना है। अब हमारा डो रेडी हो चुका है। अब हम इसे 15 टू 20 मिनट्स के लिए होम टेम्परेचर पे रेस्ट करने रख देंगे। जब तक हमारा डो रेडी होता है तब तक हम चिकन कोरमे की तैयारी करते हैं। चिकन कोरमे के लिए हमें सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना होगा। मैरिनेट के लिए हमें ज़रूरत होगी 1 कप दही लेंगे हम, 1 टेबलस्पून हम लेंगे जिंजर और गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हम लेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टेबलस्पून हम लेंगे चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हम लेंगे टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सॉल्ट और हम लेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे दही। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। तब तक हम हमारी प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब हम ऑयल में हमारी प्याज डाल देंगे। अब हमारी प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब हम चिकन कोरमा बनाने की तैयारी करेंगे। चिकन कोरमा बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी हमने लिया है 1 कप काजू और बादाम का पेस्ट, 1/2 कप हमने लिए कुकिंग क्रीम और जो बरिस्ता हमने रेडी करके रखा था वो हमने लिया है और कोरिएंडर लीव्स को हमने चॉप कर लिया है गार्निशिंग के लिए। जिसमें हमने बरिस्ता तैयार किया था उसी में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। उसमें अब हम डाल देंगे हमने जो मैरिनेट चिकन करके रखे थे वो अब इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम 5 मिनट के लिए इसे ढक देंगे। ये हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें हमारे फ्राइड अनियन को हमने ग्राइंड करके रख लिया था, अब हम इसमें वो डालेंगे। हाँ, अब हम इसमें ये डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा कोरमा रेडी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश कुकिंग क्रीम। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल देंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी ज़्यादा भी ले सकते हैं।
अब हम इसमें गार्निशिंग के लिए कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। अब हमारे कोरमा रेडी हो चुका है। अब हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए एक कोल का पीस हम इसके अंदर रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। ये हमारा डो रेडी हो गया है और हमने साइड में एक मिक्सचर बना के रखे हैं। उसमें हमने डाला है गार्लिक, क्रश्ड गार्लिक हमने इसमें डाले हैं और कोरिएंडर लीव्स, चॉप कोरिएंडर लीव्स हमने इसमें डाले हैं और मेल्टेड बटर हमने इसमें मिक्स करे हैं। ये मिक्स करके हमने एक मिक्सचर बनाया है। अब हम पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा डस्ट करेंगे और एक पराठा बना लेंगे। अब हमारी रोटी तैयार हो गई है। अब हम इसमें एक मिक्सचर का लेयर बना देंगे। अब हमारा पैन अच्छे से हीट हो चुका है। अब हम इसमें हमारा पराठा डाल देंगे। अब हम इसमें और एक लेयर बना देंगे। ये हमने हमारे पराठे को फ्लिप कर दिया। अब हम हमारे पराठे को फ्लिप कर देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल हो चुका है। अब हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब हम हमारे चिकन कोरमे को सर्विंग डिश में सर्व कर देंगे। अब हमारा चिकन कोरमा विद ग्रिल गार्लिक बटर पराठा रेडी हो चुका है। लेट्स टेक अ बाइट। वाओ।